बेटा पहले अलर्ट पे। बेटा विजय सुना, मैं विजय सुना, विजय भाई। हेलो हेलो भाई, भाई हो? हेलो भाई गलत सीन हो रहा, भाई गलत सीन हो रहा, भाई अरे गलत भाई के तो लगे पड़े बोल हैं भाई। क्राउन बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। फोर ग्राउंड फोर पे सिक्सटी वन पॉइंट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से नागिन निकाली मुन्ना पर डोला अलग ला, पहले से नागिन निकाली मुन्ना। सो हेलो एंड व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सोलो रैंक पुश। अगर आपको स्टार्टिंग वाला इंट्रो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार आज की इस गेम प्ले की बात करते, तो यहाँ पर मैं मेल पे उतरा था और उतरते ही मेरे को मिनी मिल जाती है। तो यार बंदों को ऐसे भरते वो देखना। तो यार मैं सामने वाले बंदे पे पुश कर रहा था लेकिन पीछे से एक बंदा आ जाता है तो उस बंदे को इजीली मार देते हैं। लेकिन सामने वाला बंदा मेरे पे पुश कर देता है लेकिन उसको भी जैसे तैसे अपन मार ही देते हैं। तो यार इधर मेरे पे हेलमेट वेस्ट नहीं था तो मैं इधर बैठ के कैंप कर रहा था। लेकिन यार तभी एक बंदा ऊपर से छत से कूद के लूटने के लिए भागता है तो अपन इसको इजीली मार देते हैं। तो यार यहाँ पर मैं हेलमेट वेस्ट ढूंढने आ जाता हूँ लेकिन यहाँ पर एक सामने बंदा कैंप कर रहा था और वो मेरे को ऑलमोस्ट 1 HP कर देता है। लेकिन यार मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तभी इस आइलैंड का टाइम ख़त्म हो जाता है और मैं यहाँ पर बच जाता हूँ। तो यार उस आइलैंड पे से उतर कर मैं यहाँ पर इन घरों पे होल्ड करने आ जाता हूँ और सामने वाली टी डैम चालू होने का वेट करता हूँ। तो यार जैसे ये टी डी एम चालू हो जाती है मैं यहाँ पर टी डी एम खेलने ऊपर चला जाता हूँ। तो यार यहाँ पर मैं ऊपर जाके जल्दी मर जाता हूँ लेकिन और मैं नीचे आ जाता हूँ लेकिन मेरे को कोई रोड पर गाड़ी नहीं दिखती तो मैं इस कंपाउंड पे उतर जाता हूँ। तो यार यहाँ पर मैं जैसे ही लूट रहा था तो अभी देखो मेरे साथ क्या होता है। तो यहाँ पर एक बंदा कैंप कर रहा था लेकिन ये बंदा मेरे को मार नहीं पाता तो अपन इसको भरने वाले, वो देखना कैसे भरता है। और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन तैयार होने वाली है तो उस सिचुएशन से अपन कैसे निपटते वो देखो। तो यार ये बंदा बहुत कैम्प कर रहा था इसलिए मैं फॉल बैक कर लेता हूँ। तो यार ये बंदा नेट वेट ना डाल दे तो मैं इसलिए पीछे आ जाता हूँ लेकिन मेरे को पीछे से और एक बंदे के फुटस्टेप आ जाते हैं तो देखो उसको कैसे मारते हैं अपन।
तो यार इस बंदे को मारते ही सामने वाला बंदा भी पुश करने लग जाता है, तो मैं पीछे जाके हीलिंग कर लेता हूँ जल्दी से। तो यार ये बंदा अपने पे ग्रेनेड कर रहा था। लेकिन लकीली इसका ग्रेनेड मेरे पास नहीं आता और मैं बच जाता हूँ। तो यार इस बंदे को लास्ट के लिटरली मैंने 6 गोलियों में मारा है। तो ये वाला क्लच आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यार मेरे को इधर थोड़ी सी लूट चाहिए थी, तो इन बंदों को लूट के यहाँ से निकलते। मेरे पास यहाँ पर गाड़ी भी नहीं थी, तो अपन को गाड़ी कहाँ पर मिलती है वो देखना। तो यार यहाँ पर थोड़ा सा आगे आने पर मेरे को बग्गी वाली बग्गी मिल जाती है। तो यार अभी जोन में रोटेशन कैसे देते हैं वो ज़रूर देखना। तो यार ये वाला कंपाउंड जोन में था, लेकिन यहाँ पर एक बंदा होल्ड कर रहा था। मेरे को ये बात पता नहीं थी, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये बंदा मेरे पे डायरेक्ट रश कर देता है, तो इसको इजीली अपन भर देते हैं। तो यार मेरे को थोड़ी सी लूट चाहिए थी, तो मैं यहाँ पर ड्रॉप मंगा के यहाँ से लूट के निकल जाता हूँ। तो यार अपनी बग्गी पर मैं स्मोक डाल के यहाँ से निकल जाता हूँ, और आप जोन में कैसे निकलते हैं वो रोटेशन ज़रूर देखना। तो ये वाला शैग मेरे को सही लगता है, तो यहाँ पर आकर मैं होल्ड कर लेता हूँ। लेकिन यार यहाँ पर एक जोन होल्ड करने के बाद दूसरा जोन भी मेरे पे बन जाता है। लेकिन यार फाइनली मेरे से जोन हट जाता है और अपने को जोन में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन कैसे ओपी वाला कवर लगा के होल्ड करते हैं वो ज़रूर देखिए।
यार ये बंदा पीछे मेरे आके होल्ड करता है और मैं इसको एक गेम का एक हेड लगा देता हूँ। लेकिन ये जो बंदा जोन के बाहर था तो ये जोन में से ही मर जाता है। तो यार यहाँ पर मेरे को कॉल आ जाता है और मैं जोन के बाहर ही रह जाता हूँ। तो यार मेरे को यहाँ पर गेम का साउंड नहीं आ रहा था तो ये वाला बंदा मेरे को इजीली मार देता है और इस मैच में अपने को प्लेटिनम 3 पे 45 का प्लस मिल जाता है। लेकिन कोई नहीं यार, चिकन डिनर नहीं मिला लेकिन 45 का प्लस ज़रूर मिला मेरे को। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।